वतन की सरजमी से इश्क़ ओ उल्फत हम भी रखते हैं, वतन की सरजमी से इश्क़ ओ उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। इसी ताकत और संकल्प के साथ स्पोर्ट्स सेक्टर में भी आज जम्मू कश्मीर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम के अलावा यहाँ के विकास से संबंधित 7 परियोजनाओं का भी लोकार्पण हुआ है आपके सम्मुख। मैं जिला प्रशासन, यहाँ के DDC चेयरपर्सन, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को भी उसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जिस तरह की फंडिंग हुई उसके कारण आज 16 इंडोर स्पोर्ट्स हॉल जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को और युवाओं समर्पित किए जा चुके हैं। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतरीन नहीं हुआ है, बल्कि कोशिश हुई है कि अनवरत होनहार खिलाड़ियों की मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग लगातार की जा सके। 5 अतिरिक्त इंडोर स्पोर्ट्स हॉल अभी आने वाले दिनों में कंप्लीट होने वाले हैं, जो खिलाड़ियों के सामर्थ्य को प्रमोट करने के प्रशासन के संकल्पों को पूरा करें। एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि स्पोर्ट्स का जो बजट हमारा है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उससे भी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स बजट। 4 करोड़ की लागत से ये इंडोर स्टेडियम पूरा हुआ है। मल्टीपर्पज हॉल के अलावा अन्य आवश्यक सुविधाएं, वॉशिंग रूम, डाइनिंग हॉल, चेंज रूम, मैनेजर रूम, फिजियो रूम, पार्किंग इत्यादि की भी व्यवस्था इसमें की गई। स्पोर्ट्स की ये सभी सुविधाएं आज मैं यहाँ के नौजवानों को समर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ उनका पुरुषार्थ, उनका संकल्प, उनकी शक्ति, उनका जुनून और स्पोर्ट्स की डिसिप्लिन, उनका सामर्थ्य जम्मू कश्मीर के खेल के मैदानों में भी अग्रणी बनाएगा। मैं मानता हूँ कि ये मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल हंदवाड़ा के आसपास के नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। अनेक वर्षों से जिन नौजवानों ने अपने सपने सजोकर रखे थे, अब उन्हें साकार करने का समय आ गया है। पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के समावेशी विकास पर काफ़ी गौर किया गया है और उसके कारण एक नए प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हुआ है। पिछले वर्ष 60 लाख लोगों ने खेल के विभिन्न विधाओं में भाग लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाएं अब हमारे खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही हैं। पैरा आर्चरी की वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूनियन टेरिटरी के एथलीट राकेश और सरिता ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीते हैं, जिससे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। आज राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स लोग कहने लगे। खेल के मैदानों में जम्मू कश्मीर का परचम अब फिर से लहराने लगा। लंबे समय से स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत नियुक्तियां नहीं हो रही थी। एक स्पोर्ट्स हाईकोर्ट का एक आदेश था, स्थगन आदेश था, जिसके कारण ढेर सारे लोग जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिल रही। 3 दिन पहले वो फाइल क्लियर हो गई है। 15 अगस्त के पहले जो चिन्हित हमारे 200 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं, इन सबको सरकारी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी डिमांड जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, वो आज पूरी हुई है। जो पहला जो इंडोर स्टेडियम हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज इनॉग्रेट हुआ है ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी की क़यादत में, तो मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं LG मनोज सिन्हा जी का। वो जो हमारा यूथ है जो विंटर्स में
कुछ वो सफोकेटेड फील कर रहे थे कि जिनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था, उनके लिए बहुत अच्छी बात है हमारे यूथ के लिए पर्टिकुलरली। सच्ची बात तो ये है कि पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि डेवलपमेंट एक अनएंडिंग प्रोसेस है, लेकिन आप एक शुरुआत देखते हैं कि हमने ग्राफ जो है वो बहुत ऊँचा पहुँचा है। शेने साहब ने कहा मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ और कोशिश करूँगा बेहतर जो हमारे सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़िले में बेहतर हो, और बाकी जो लोगों के मसाइल हैं उन पर भी बात हुई है और उनके हवाले से भी हमने मनोज सिन्हा साहब से बात की, और हम लोग भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। खासकर जो यूथ है, यूथ का रुझान बहुत ही ज़्यादा इस तरफ था कि वो ज़बरदस्त खुशी का इजहार कर रहे थे आज कि हमारी जो डेयरी नमाल थी वो पूरी हुई है।